हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्राइनिया एल्बम के बारे में। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें ब्राइनिया एल्बम के बारे में बताने के लिए बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप होम्योपैथ से रिलेटेड हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूँ, जितना कम से कम समय लेते हुए आपका। पहला हम बात करते हैं ब्राइनिया एल्बम काम कहाँ करती है हमारे बॉडीज में। ब्राइनिया एल्बम हमारे बॉडीज में फाइब्रस टिश्यूज यानी ज्वाइंट, फेफड़े, मेम्ब्रेन यानी सर मेम्ब्रेन, लीवर और मस्तिष्क, इन चारों जगहों पे ब्राइनिया का वर्क बहुत अच्छा मिलता है। खास करके ब्राइनिया का यूज़ हम लोग पर्सनली जो हम यूज़ करते हैं वो गठिया के पेशेंट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज्वाइंट में पेन हो, चलने से दर्द बढ़ जाता है, रह एक जगह बैठने से आराम मिलता है, तो ये ब्राइनिया का पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो लगभग लगभग हर जगह आपको मिलेगी। लेकिन कुछ ब्राइनिया के अपने भी लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सहायता करती है। पहला अगर हम बात करें चक्कर का, तो ब्राइनिया से आप चक्कर को ठीक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसा चक्कर होना चाहिए। तो ऐसा चक्कर होता है जिसमें सुबह सो के उठने के बाद चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा लगता है कि आसमान पूरा घूम रहा है, और जैसे ही उठता है तो उसको लगता है कि गिर जाएगा, तो वो एक जगह बैठ जाता है आपके साथ। और जो मैंने पहला सिम्टम्स बताया कि ब्राइनिया में आराम करने से रोग काफ़ी हद तक तकलीफ कम देता है। अब आप सिम्टम्स को मैच कराएं, जैसे ही उसको चक्कर आया वो बैठ गया, उसको आराम मिल गया, पहला आपको प्रूविंग हो गया कि ये ब्राइनिया का सिम्टम्स है। दूसरा अगर हम बात करते हैं सूखापन, आपने देखा होगा कि ओठ लिप्स सूख जाती है, सूख के या जीभ जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है, और उस सूखापन को हटाने के लिए पेशेंट बार बार पानी पीने की इच्छा रखता है। और बहुत अगर ज़्यादा सूख गई है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है आपकी टंग, तो ये एक तरह के शुगर की तरफ भी संकेत करता है। लेकिन अगर नॉर्मल है, शुगर आपका नॉर्मल है, और अगर ये सिम्टम्स है आप में कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी पीते हैं, तब आपको एकोनाइट और ब्राइनिया की तरफ आना चाहिए। ब्राइनिया का सिम्टम्स यही है कि पेशेंट को एक जगह रहने से स्थिर मिलता है, आराम मिलता है। एकोनाइट में क्या है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होता है, और ब्राइनिया में बेचैनी नहीं होता, एक जगह स्थिर रहना पसंद करता है पेशेंट। तीसरी कंडीशंस होती है, जो ब्राइनिया का पेशेंट होता है वो लंबी लंबी देर तक, यानी कि अभी अगर एक लोटा पानी पी लेता है, एक जग पानी पी लेता है, तो एक घंटे बाद ही उसको पानी का प्यास लगेगा और फिर वो एक जग ही पानी पिएगा। इसके अलावा ब्राइनिया का आप इस्तेमाल मासिक के समय, बहुत सारे लोगों को नाक से ब्लड आने लगता है, उस रोग में भी ब्राइनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राइनिया को 30 पोटेंसी मिलेंगे और 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। मासिक के समय अगर आपका नाक से ब्लड आ रहा है तो ये आपका 100% ब्राइनिया से ही चला जाएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके जितने भी दर्द हैं, जोड़ों के दर्द है, वो चलने से बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके जो पेट में दर्द होता है, लीवर में जो दर्द होता है, वो चलने से राहत मिलता है, ये एक आप बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सर में अगर दर्द हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि गर्म चीज़ से सेकने से सर दर्द आराम मिल जाता है, और उसके साथ साथ पानी का प्यास लग रहा है, तो आप ब्राइनिया 30 पोटेंसी मिलेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दोपहर मिलेंगे और रात मिलेंगे, आपका सर दर्द काफ़ी हद तक कम्प्लीट रूप से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप ब्राइनिया का यूज़ फीवर के लिए कर सकते हैं, खास करके इसका जो फीवर होता है बहुत तेज होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, फीवर में पेशेंट चुपचाप एक जगह लेटे रहना पसंद करता है, पसीना आता है, और फीवर के साथ साथ पसीना ज़्यादा आता है, ये ब्राइनिया के फीवर के एक बेस्ट सिम्टम्स हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट भी पढ़े, ऐसे बहुत सारे मैसेज भी पढ़े कि साहब
आपने बताया था कि फीवर में ब्रायनिया यूज़ करिए और आराम नहीं मिला, तो उनके लिए ये वीडियो उस सवाल का जवाब है कि आपको ब्रायनिया में या ब्रायनिया से क्यों लाभ नहीं मिला। ब्रायनिया के फीवर में प्यास लगता है लंबे लंबे समय पे, दूसरी इसमें फीवर के साथ साथ पसीना आता है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं तो 100% आप धोखा नहीं खाएंगे और रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा सूतिका ज्वर, बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जिनको बच्चा हो जाता है उसके बाद फीवर आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे औरतें भी ब्रायनिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लें, 3 बार लें, 4 बार भी ले सकती हैं, आराम मिलते जाए तो आप दिन में 1 बार लीजिए। अब बात करते हैं ब्रायनिया में दर्द का। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट में दर्द हो रहा है, श्लेष्मा में दर्द होता है, फेफड़ा में दर्द होता है, तो दर्द कैसा होता है? जनरली सीरियस मेम्ब्रेन में दर्द होता है और चुभने जैसे, अचानक से चुभने जैसा दर्द होगा। ये चुभने जैसा दर्द आपको पेरिकार्डाइटिस के जगह में हो सकता है, हार्ट वाले रीजन में हो सकता है, लीवर वाले रीजन में हो सकता है। जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा खड़ा होता है चलने के लिए तो वो दर्द खींच के होता है, फिर आराम हो जाता है। तो इस टाइप के दर्द को ब्रायनिया से आप काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड जो नई जानकारी है वो मैं बताते रहूँ, भेजते रहूँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीवर में, तो ब्रायनिया का फीवर, चाहे वो सर्दी जुकाम का फीवर हो, चाहे रूमेटिक फीवर हो, या इन्फ्लुएंजा हो, या टाइफाइड हो, आप चारों रोग में ब्रायनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जो सर्दी जुकाम होता है और गर्मी के समय में जो सर्दी जुकाम होता है उस समय ब्रायनिया का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रायनिया का जो फीवर होता है इसमें पेशेंट सोना हुआ पसंद करता है। मैंने आपको बताया कि ब्रायनिया के फीवर में पसीना आता है फीवर के साथ साथ। इसका जो टाइफाइड का फीवर होता है इसमें हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ जाती है। यही वजह होता है कि ब्रायनिया का जो पेशेंट होता है हिलना डुलना पसंद नहीं करता है। इसके सर में भी दर्द होता है तो ये एक जगह सर को बांध कर बैठने से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। काम करने की अनिच्छा होती है, यानी काम करने की इच्छा ब्रायनिया में नहीं होती है। तो टाइफाइड फीवर में भी आप ब्रायनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3x पोटेंसी लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा ब्रायनिया को आप ऐसे फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी फीवर आ जाता है, कभी भी फीवर चला जाता है। फीवर आने के साथ साथ अगर माथे में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, उसके साथ साथ पानी का प्यास लगे, तो आप ब्रायनिया 200 पोटेंसी मिलेंगे और 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह में लीजिए और शाम में, 1 से 2 दिन में आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप ब्रायनिया को निमोनिया के बीमारी में भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके जब ब्रायनिया के बीमारी में जब कफ ढीली होके दर्द करती है या खांसने से सीना पूरा दर्द करने लगे, कफ ढीला है मालूम होता है लेकिन निकलता नहीं है, ऐसे कंडीशंस के लिए आप ब्रायनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी का प्यास रहता है, पेशेंट बार बार पानी का की तरफ देखता है, पीता है और ज़्यादा मात्रा में पीता है, इसके अलावा मालूम होती है कि सुई गड़ने की तरह दर्द हो ब्रायनिया में और दाहिने साइड के फेफड़ा में ज़्यादा कंजेशन हो, कफ हो, तो आपको एक ही मेडिसिन ब्रायनिया लेना है और दूसरी किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रायनिया को आप तब लेंगे 3x पोटेंसी में 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दोपहर में और रात में। इसके अलावा पसली में दर्द हो और दर्द चलने फिरने से बढ़ जाती है तो आप ब्रायनिया का यूज़ कर सकते हैं। ब्रायनिया का इसके अलावा यूज़ करेंगे लीवर में, अगर लीवर आपका बढ़ गया है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग जिन हमारे डॉक्टर ग्रुप से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो धोखा खाते हैं ब्रायनिया और लाइकोपोडियम,
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइकोपोडियम के जगह जब मैंने ब्रानिया यूज़ किया, 3-4 साल से लगातार मैं यूज़ करता हूँ, गर्मियों के ज्वाइंटिस के समय में या गर्मियों में जब लीवर वाले जगह पे पेन होता है, तब स्टिचिंग पेन यानी कि सुई के धंसने की तरह अगर पेन हो तो आप ब्रानिया का इस्तेमाल करिए, लाइकोपोडियम उसके बाद यूज़ करिए। आपको तीसरी कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ज्वाइंटिस 100% ठीक होता है। इसके अलावा ब्रानिया का इस्तेमाल खास करके लीवर में मैं मदर टिंचर यूज कराता हूँ, 5 ड्रॉप्स यानी 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार दीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रानिया की खांसी पे। अगर आपको खांसी है, खांसते खांसते गला सूख जाता है, गले में कुटकुटाहट होती है और पानी की प्यास, पानी पी लेने से थोड़ा सा राहत मिलता है, पेशेंट को खांसने से बलगम नहीं निकलता है और अगर निकलता भी है तो बहुत ज़्यादा देर तक खांसता है तो थोड़ा बहुत निकलता है, ऐसे कंडीशंस में आप ब्रानिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करिए। ब्रानिया 30 का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ब्रानिया 30 को आप ले सकते हैं और 2-2 घंटे से बदल बदल के यूज़ करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें गठिया का, तो ब्रानिया गठिया की एक सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ब्रानिया को मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो 6x पोटेंसी पे बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ जो मैंने आयुर्वेदिक एक सिरप टाइप में बनाया है गठिया का, उसको यूज़ कराता हूँ। कभी ब्रानिया के जगह रेस्ट्रक्स को देना पड़ता है, उसके साथ साथ वो आयुर्वेदिक सिरप को यूज़ कराने के बाद पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ता और पेशेंट 6 या 7-8 महीने में काफ़ी हद तक गठिया के रोग से रिकवर कर जाता है। तो अगर आपको वो आयुर्वेदिक जो गठिया टॉनिक है वो अगर मंगाना है तो आप अपना एड्रेस मैसेज कर सकते हैं, आपके एड्रेस पे कुरियर के द्वारा हम उपलब्ध करा सकते हैं। आपको 15 दिन में ही उस सिरप को पीने से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे गठिया के जितने भी भाई फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इससे बहुत हद तक पीड़ित हैं, अंग्रेजी दवा खा खा कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन और इस गठिया टॉनिक को एक बार लेकर यूज़ करें 15 दिन के लिए ही, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप हमें व्हाट्सअप करें अपने सारे गठिया के तकलीफ़ों को, हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और इसके साथ साथ सिरप यानी गठिया की जो गठिया टॉनिक जो हम लोगों ने बनाया है, जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हम उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा से लेकर पंजाब तक हमारा कुरियर है, आप भारतवर्ष में कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ब्रानिया के सारे सिम्टम्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। होप्स कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो को नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या अगर कोई सिम्टम्स आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप सिम्टम्स हमें कमेंट करते हैं, हम उसकी मेडिसिन जो भी होगी उपलब्ध करा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।